काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी अ वीक इन माई लाइफ का वीडियो मैं आप लोग के सामने पेश करूं। सो हेयर इट इज़ अ वीक इन माई लाइफ। सो हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वीक इन माई लाइफ। तो मैं जो अपने घर की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो ये छोटा सा बालकनी है जो हमारे बेडरूम से लगा हुआ है, तो इसमें मैंने छोटे छोटे पौधे लगा के रखे हुए हैं। और ये जो ग्लिम्स आपको देखने को मिल रहा है वो हमारे बालकनी के बाहर का व्यू है। तो फूल लगाना और पौधे लगाना तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा लगाते रहती हूँ। ये थोड़ा सा मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं हर दो दो दिन में या तीन तीन दिन में क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही साफ़ कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको डेली रूटीन जो मेरी है और जो टिपिकल जो इंडियन वुमेन करती है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कुछ ज़्यादा फैंसी आपको दिखाने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैं डेली रूटीन जो मेरी है वो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पे वही साफ़ सफाई चल रही है थोड़ी थोड़ी। सो ये वीडियो काफ़ी काम और पीस देने वाली है, तो आप एकदम रिलैक्स वाले मूड में आके इस वीडियो को देखिए। और अभी हमारे यहाँ मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद चेंज हुआ है। इतनी गर्मी इधर पड़ रही थी, अब फाइनली जाके आज जो मौसम है वो बहुत सूदिंग है, बहुत बेहतरीन है। तो इस मौसम में पकोड़े खाना और समोसे खाना और फिर गरम गरम चाय की जो मज़े हैं, जो चुस्कियाँ अपन लेते हैं, उसकी क्या ही बात है। और वो क्या ही आनंद मिलता है वो सारी चीज़ें करने में। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ दे जाती हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें खुश रहने का, अपने आप को उस चीज़ में ढालना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें करना और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करना जिसमें बहुत पैसा लग रहा है या फिर बहुत मेहनत लग रही है, ऐसे नहीं है। आप खुशियों को आप छोटी छोटी चीज़ों में खोज सकती हैं। जैसे इस वीडियो में आपको अभी सामने जो दिख रहा है कि मुझे साफ़ करने में जो खुशी मिलती है वो, उसकी मैं क्या ही बात करूं। इतनी अच्छी मुझे वो फीलिंग आती है पौधों में पानी डालना। ये देखिए मैंने ग्लासेस में क्या है पानी रख के उसमें पौधे लगाए हुए हैं, और नीचे जो पत्थरें आती हैं जो कलरफुल आती हैं उसको मैंने लगाया। तो इसको इस टाइप से भी आप अपने घर में या अपने रूम में आप इस टाइप से लगा सकती हैं, क्योंकि ये क्या है अपन को नेचुरल जो हम ब्रीथ लेते हैं उनमें जो नेचुरल जो खुशबू आती है, जो नेचुरल अपन उस चीज़ में ढलते हैं, वो चीज़ की अलग ही खुशी रहती है। और आप जितना ग्रीनरी को देखेंगे उतना ही आपको और मूड काफ़ी काम होगा। तो यहाँ पे मैं वही क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ये चीज़ मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो ये जो एरिया है वो हमारा ग्रीन रूम है, और आप बोल सकते हैं चेंजिंग रूम है। वक्त के साथ मैंने सीख लिया कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ों में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलती हैं जितने कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। चाहे वो आप घर के काम करिए, चाहे वो अपने ऊपर अपने टाइम को दीजिए या अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करिए, चाहे आप पौधों में पानी दीजिए, चाहे आप खाना बनाइए, चाहे आपको जो छोटी सी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है आप वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। क्योंकि समय रहते जब हम बड़े होते जाते हैं तब हमको लाइफ की जो मोरल्स हैं और जो बचपन में जो हमने जो कुछ सुना है वो जब बड़े हो गए हैं और वो चीज़ जब लाइफ में हम फेस कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें समझ आती हैं। और फाइनली हम इस बात को सीखते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागने से या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे लगने से हमको कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। उल्टा हम और उन चीज़ों में धंसते जाते हैं और घुसते जाते हैं, सुलझते जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम खुशियाँ खोज सकते हैं, हमको खोजना है और ढूंढना है।
क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, जैसा कि बहुत से लोग बोलते हैं लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप अपने डियर वन और लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करिए और उनके उनको जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम आप दीजिए, क्योंकि कल क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में हमको खुश रहना और हमको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना और अच्छी चीज़ों के पीछे भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले ही टाइम बिताना पसंद करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और हमको किसी के साथ इन्वॉल्व होना, किसी के साथ रहना या किसी के साथ समय बिताना पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो हमारा पर्सनल स्पेस होता है, लेकिन एक टाइम हमको ऐसा भी फेस करना पड़ता है कि हमें बाहरी दुनिया में जाना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमको रेडी होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप जो थोड़ा जो आप अगर शाय हैं तो शायनेस को थोड़ा सा दूर करिए और थोड़ा सा स्टेप आउट करके देखिए और लोगों से मिलने की कोशिश करिए और अपने डियर वन से बात करने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बाहर गए हुए थे, कुछ काम से गए हुए थे, तो वहाँ का जो छोटा सा ग्लिम्स है मैं आप लोग के सामने शेयर की। उसके बाद वो कार में बैठने के लिए मैं दरवाजे को खोल रही हूँ और फिर उसके बाद हम आगे को चले गए। सो गाइस, यहाँ पे आपको खूब सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, ये मैं अब इसको सेग्रीगेट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं इसे रखी थी। अब बहुत ज़्यादा ये स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है और मुझे डिस्कार्ड करना और काफ़ी दिनों तक पुरानी चीज़ों को रखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको सेग्रीगेट करके मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी और जो मुझे वीडियो बनानी थी मैं बना चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए डिस्कार्ड करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और जो अपन को यूज़ जो एम्प्टी हो गई इसको खाली करते हैं और जो यूज़ करना है उसे हम रखते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं अपने सारे सामान को सेग्रीगेट कर रही थी और मैं कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं रखनी थी मैं उसे थ्रो आउट करने वाली हूँ, डस्टबिन में डालने वाली हूँ। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंडियन वूमेन करती है अपने घर की साफ़ सफाई, यही सारी चीज़ें मैं भी अपने घर में करती हूँ और वही चीज़ें कर रही हूँ और मुझे पसंद भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपके उधर का मौसम कैसा है और मानसून आया कि नहीं आया, कि अभी भी वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि सामानों को मैं सेपरेट कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ, तो बस वही काम चल रहा है। जब मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, मुझे थोड़ा जब फ्री टाइम मिलता है तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठो और फिर ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी रात हो गई और इतना जल्दी हमारा दिन ढल गया और ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम बचा ही। तो गाइस, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं वो सारे सेग्रीगेट मैंने कर दिया, ये सारे एम्प्टी है, अब इसे मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और यहाँ जो प्रोडक्ट दिख रहा है आई विल कीप दैट, और ये सब प्रोडक्ट्स को मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो मैं इसे ट्रे में डाल देती हूँ ताकि मुझे इसे ईजी हो डिस्कार्ड करना, और मैं बाहर में यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूँगी। और आपको खाने में क्या क्या पसंद है ये भी बताइए। तो यहाँ पे ये संडे का दिन है, मैं यहाँ से चर्च की ओर निकल गई थी, चर्च जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी। तो हमारा संडे चर्च सर्विस होता है, तो मैं यहाँ सुबह 9:30 बजे मैं निकल गई थी चर्च जाने के लिए। और रास्ते में मैं सोची मैं थोड़ा सा क्लिप ले लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, तो वही मैं छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और हम रास्ते में ही हैं, अभी पहुंचने में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट मुझे लग जाएंगे। तो तब तक मैं कार में बैठी ही थी, तो मैं बस इधर उधर निहार रही थी, बाहर का व्यू लेते जा रही थी और लोग जो कुछ कुछ एक्टिविटी कर रहे थे वो सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ।
हमारे यहाँ जो चर्च होता है उसमें छोटे बच्चे उनकी क्लास अलग लगती है, तो मैं वहाँ उन बच्चों की क्लास लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे हैं, कम से कम 10 to 15 बच्चे थे मेरे पास, और बगल में चर्च सर्विस चल रहा है, लेकिन छोटे बच्चों की क्लास अलग होती है ताकि उनको उनके हिसाब से वो चीज़ें समझा सकूँ, इसलिए मैं उनकी क्लास लेती हूँ। उसके बाद ये जो चर्च का जो अंदर पार्ट है, बच्चों की क्लास तो ओवर हो गई थी, 1 घंटे की क्लास रहती है, लेकिन हमारा चर्च कम से कम 3 से 4 घंटा चलता है। तो मैं उसके बाद बच्चों की क्लास लेके मैं चर्च के अंदर आ जाती हूँ ताकि मैं चर्च सर्विस भी अटेंड करने पाऊँ। इसलिए बच्चों को छोड़ के बच्चे वहाँ पे फिर बाहर में या तो चर्च में बैठते हैं या फिर बाहर में खेलते हैं। उसके बाद मैं चर्च अंदर आ जाती हूँ और मैं अपना चर्च को अटेंड करती हूँ। तो ये कुछ उसकी वीडियो है। उसके बाद चर्च फिनिश हो गई थी तो मैं बाहर की ओर जा रही थी और काफ़ी लोग चले गए थे, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में ही जाते हैं चर्च। जब सारे लोग चले जाते हैं उसके बाद ही हम लोग जाते हैं। तो ये चर्च का बाहर का है और मैं यहाँ से निकल रही, तो मैंने बोला फिर से हम वीडियो बना लेते हैं ताकि हम अपने फैमिली को दिखा पाए। उसके बाद ये मैं गाड़ी के पास आई और उसके बाद मैं यहाँ पे सोची कि मैं थोड़ा सा सेल्फी टाइप की वीडियो ले लेती हूँ, तो फिर मैं दरवाज़ा नहीं खोली। उसके बाद मैंने थोड़ा सेल्फी टाइप का वीडियो ले लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करके दिखा रही हूँ, देन मैं फिर गाड़ी में बैठी और उसके बाद हम लोग घर की ओर निकल गए। फिर ये उसके नेक्स्ट डे की बात है, हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे क्योंकि हमें कुछ कुछ काम था। तो ये गाड़ी में मैं बैठी थी और बाहर से मैं थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ करके मैं यहाँ पे व्यू ले रही थी। रात का समय था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, 9 बजे की बात है ये। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग गए म्यूज़िकल जो स्टोर होता है वहाँ पे हम लोग गए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हारमोनियम दिए हुए थे रिपेयरिंग के लिए। तो हारमोनियम जो है वो रिपेयर हो गया था, तो हम उसे पिक करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ का छोटा सा ग्लिम्स मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे जो मेरे फादर इन लॉ है वो चेक करके देख रहे थे कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बस ये वहीं की छोटी सी ग्लिम्स है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। फिर वहाँ पे एक मिरर भी था, तो मैंने बोला कि मैं फुल वीडियो अपनी सेल्फी टाइप से मैं ले लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। उसके बाद हम लोग गए डिनर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग चिकन लॉलीपॉप
ऑर्डर किए हुए थे, और ये उसके नेक्स्ट डे की बात है जब हमने स्कूटी लिया हुआ था, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये। तो हस्बैंड शॉप से स्कूटी बाय करके सीधा घर लेके आए, तो उसकी वीडियो मैं बना ली। तो ये हमारी न्यू स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और इसके लिए हमने काफ़ी वेट किया, 1 मंथ की वेटिंग थी। देन ये फिर नेक्स्ट डे की वीडियो है, जो कि है मैं कपड़े वॉश की थी, तो मैं उसको अपने टेरेस में इसको सुखा रही थी, तो बस उसका छोटा सा क्लिम्स मैंने लिया। तो यहाँ पे जीन्स को मैं वॉश था, उसको बस मैं अलट पलट करके वहाँ पे सुखा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पहले सीधा करके उसको वॉश करना और उसके बाद पलट के सुखाना। तो मैं पलट के तो सुखाती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि वॉश जब करती हो तो सीधा करके, क्योंकि सबका अपना रूल होता है, सबका अपना हिसाब रहता है, तो मैं उनके हिसाब से ही कर देती हूँ जैसा उनको अच्छा लगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि सामने जो अगर कुछ लगा हुआ है तो वो क्लीन हो जाएगा, और ऐसे फोल्ड करके अपन वॉश करते हैं तो क्लीन नहीं होता है। तो भाई उनकी बातों को लेके मैं उनके हिसाब से करती हूँ और उनकी बातों को सर आंखों पे रखती हूँ, तो उस हिसाब से मैं वॉश कर दी। उनके सारे जीन्स हैं वो मैं सारे वॉश कर दी थी और यहाँ पर मैं सुखा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, और ये हमारे घर का बाहर का व्यू है, तो मैं पौधों को देखने गई थी, और फिर उसके बाद मैं अंदर आई, और ये जो हमारा स्टार्टिंग एंट्रेंस है वो है, यहाँ पे कुछ पौधे हैं जो कि लगे हुए हैं, जो कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ काफ़ी प्लांटिंग करते हैं, उनको पौधे का काफ़ी शौक़ है। तो ये वही छोटी सी ग्लिम्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से कुछ व्यू है, देखें। अभी सीजनल जो फ्लावर्स होते हैं वो हम लोग काफ़ी लगाते हैं, तो जब दिसंबर का मौसम था उस समय इतनी सारी सुंदर सुंदर पौधे लेके आए थे मम्मी पापा, तो वो लगाए थे, तो इतनी सुंदर व्यू मिलती थी हमको, इतना उनको देख के इतनी खुशी मिलती थी कि क्या बताएं। फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई, क्योंकि लंच टाइम हो गया था, तो मैं लंच बनाने के लिए आई। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच बनाने के लिए, मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है मैं पूछ ली, क्या खाना चाहते हैं घर वाले उस हिसाब से मैं पूछी, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर ली। तो यहाँ पे जो हाथ मैंने ऊपर किया, आप सोच रहे होंगे क्या की, तो मैं यहाँ जो चिमनी है उसको मैं ऑन कर रही थी, और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, टमाटर काटना, प्याज काटना, और जो सब्जी जो हमको खानी है वो सब्जी चॉप करना। तो बस वही कुकिंग की तैयारी चल रही है और काम चल रहा है, जो किचन का जो डेली अपन करते हैं। उसके पहले मैं बीच बीच में पानी भी पीते रहती हूँ, तो आप भी प्लीज़ पानी पीजिए। उसके बाद ये हमारे किचन में ये पानी में ही ये प्लांट लगा हुआ है, तो उसका पानी कम हो गया था, तो मैं वहाँ पे फिल से उसको रिफिल कर रही हूँ, उसको फिल कर रही हूँ, और उसकी जो लीव्स है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ पानी से, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है तो वो साफ़ हो जाए। देखिए कितनी सुंदर और बहुत ज़्यादा प्रिटी यहाँ पे ये लग रही है। तो किचन में भी हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो बर्तन है वो सारी चीज़ें, क्योंकि सुबह का समय है, दोपहर का समय नहीं हुआ था, सुबह का ही समय था, तो सारी बर्तनें ये सब क्लीन हुई थी, मेड क्लीन करके चली गई थी, तो उसको मैं बस सेट कर रही थी, उसके जो जो लोकेशन है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे मैं उसको सेट कर रही थी, उसको जमा रही थी। तो ये जो काम है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बर्तनों को जमाना और उसको अच्छे से सेट करना, तो बस ये वही काम चल रहा है। उसके बाद साथ ही साथ खाना भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें भी काम होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जितनी सारी कप्स और ग्लासेस वगैरह वॉश हुई थी उनको भी मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ और उनको भी जमा रही हूँ। तो ये मेरा डेली का काम है कि बर्तन को मैं डेली जमाती हूँ, और वो हर घर में ये काम होती है, ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली ये चीज़ों को कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ कई बार ऐसा होता है हमको देखना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि वीडियो में कई बार क्या है, हम खाने के लिए बैठते हैं और हमको कुछ देखना रहता है तो क्या देखें, तो हम लोग कई बार YouTube के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, डेली व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टिपिकल इंडियन वुमेन जो काम करती है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, जैसा कि यहाँ पे अब मैं बर्तनों को भी
जमा रही हूँ, बर्तनों को भी सेट कर रही हूँ, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे कुछ स्पाइसेस को निकाला हुआ है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सब्जी बनाने की तैयारी में थी, तो मैं जो चीज़ें बना रही हूँ उनके लिए जो मुझे स्पाइस लगेगी, जो जो चीज़ें मुझे लगेगी, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को निकाल के रख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑरिगेनो को भी मैं निकाल ली, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बना रही थी कि उसमें इस चीज़ की रिक्वायर थी। देन यहाँ पे जो ऊपर वाली जो बालकनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, हालांकि मौसम चेंज है लेकिन ह्यूमिडिटी और गर्मी तो उतनी ही है, तो मैं यहाँ पे पौधों में पानी डाल रही हूँ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, और मैं इस वीडियो को मीठा के साथ फिनिश कर रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।